किसी इमेज से वाटरमार्क रिमूव करना चाहते हैं या किसी वीडियो से, किसी इमेज में वाटरमार्क ऐड करना चाहते हैं या किसी वीडियो में, सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका यूज़ देखते हैं। हम इमेज से वाटरमार्क रिमूव करते हैं तो ये फर्स्ट वाली ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास ये कुछ इमेजेस अवेलेबल हैं तो हम मल्टीपल इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ से मैंने तीन इमेजेस ये यूज़ की हैं और एक ये मैंने सेलेक्ट की है, तो ये चार इमेजेस मैंने सेलेक्ट की, इसको मैंने ओपन किया तो ये मेरे पास इमेजेस यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आ चुकी हैं। अब इस सॉफ्टवेयर का फ़ायदा क्या है? समटाइम्स आप गूगल से या किसी वेबसाइट से इमेजेस डाउनलोड करते हैं तो वो लाइसेंस्ड इमेजेस होती हैं, तो हम क्या करेंगे, उनका वाटरमार्क इस तरह से रिमूव कर सकते हैं, या कोई वीडियो आप डाउनलोड करते हैं तो उसका वाटरमार्क भी आप रिमूव कर सकते हैं, या समटाइम्स ऐसा होता है कि हम खुद से इमेजेस क्रिएट करते हैं या वीडियोस क्रिएट करते हैं और उनके अंदर हम चाहते हैं कि हम वाटरमार्क ऐड करें, तो उसके लिए भी हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने इमेजेस सेलेक्ट कर ली हैं। अब मेरे पास यहाँ पे देखें राइट साइड पे चार इमेजेस आ चुकी हैं। अब हमने कौन सा एरिया यहाँ से रिमूव करना है उसको हम क्या करेंगे, इस मार्की टूल पर क्लिक करके इसको यहाँ से इस तरह करके अपनी सिलेक्शन लेंगे जो एरिया मुझे रिमूव करना है। तो ये फर्स्ट इमेज है, इसका मुझे ये वाला एरिया रिमूव करना है। नेक्स्ट मैं सेकंड इमेज पे क्लिक करूँगा और मुझे इसमें से ये वाला एरिया रिमूव करना है। थर्ड इमेज, इसका मुझे ये एरिया रिमूव करना है। तो जो एरिया जिस इमेज से हमें रिमूव करना है उसको हमने इस तरह करके हाईलाइट कर देना है। ये देखें, तो तमाम इमेजेस को हाईलाइट करने के बाद हमने यहाँ पे देखें कन्वर्ट इस बटन पे क्लिक कर देना है, लेकिन आपको रिजल्ट कहाँ पे चाहिए ये आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे। अगर इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो जहाँ से आपने ये इमेजेस यहाँ पे अपलोड की हैं वहीं पे आपको आउटपुट मिलेगी, और अगर आप कस्टम पे क्लिक करेंगे तो फिर आप अपनी मर्जी से किसी फोल्डर में आउटपुट ले सकते हैं। तो चलें, खैर हम क्या करते हैं, कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें ऊपर 50% 55%, तो इस तरह करके ये इमेज में से वाटरमार्क रिमूव करेगा। तो फर्स्ट में से उसने रिमूव कर दिया है सक्सेसफुल, और सेकंड, इसी तरह थर्ड, फोर्थ, तो ये तमाम इमेजेस में से जितना हमने एरिया सेलेक्ट किया हुआ उसको रिमूव कर देगा। तो ये कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, किसी भी इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट हो सकता है। तो ये देखें अब हमारी कन्वर्जन कम्प्लीट हो चुकी है, तो वो कह रहा है कि अगर आपने भी रिज़ल्ट देखना है तो ओपन फोल्डर पे क्लिक करें, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं और डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं क्योंकि हमने सेम ऑप्शन उसको दी है आउटपुट के लिए। तो ये हमारे पास आउटपुट है, यहाँ पे देखते हैं, ये देखें ये हमारी एक इमेज की आउटपुट है जिसके ऊपर यहाँ पे आपको वाइट सा टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा था, और इसका ओरिजिनल हमारे पास ये वाला है, ठीक है। इसी तरह ये है इमेज जिसका हमने यहाँ से टेक्स्ट रिमूव किया है, और इसी तरह हमने यहाँ से रिमूव किया है इसका ऊपर वाला एरिया। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम इजीली किसी भी इमेज से वाटरमार्क रिमूव कर सकते हैं या वीडियोस में से रिमूव कर सकते हैं।